हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट टू है जिसमें हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं, इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं और इनके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ चुके हैं। उसी के ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ अपने एल्कीन्स टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगले लेक्चर में जब हम डाइइन्स के बारे में पढ़ाएं तो उसके बाद दो लेक्चर बाद हमारा यह यूनिट भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे यह लेक्चर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों पर। देखो बच्चों, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए मैंने आप सभी को पिछले ही लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर दिया था चीज़ों को, और उसी को ही रिलेट करते हुए यहाँ पर हम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम एक एल्कीन को लेते हैं और उसका अगर हम डाइबोरेन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलता था, हमारे पास मिल रहा था ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ओके, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल रहा था। अब इसका हम क्या कराते थे, इसका हम करा रहे थे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हम करा रहे थे, बेसिकली हम करा रहे थे H2O2 से रिएक्शन, और साथ ही साथ हम NaOH के प्रेजेंस में यह रिएक्शन करा रहे थे। तब हमने देखा था कि हमें प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा था, 6 times हमारे पास मिल रहा था CH3, CH2 एंड हमारे पास मिल रहा था OH, और इसके साथ साथ हमारे पास मिल रहा था H3BO3 और यह हमारे पास 2 times मिल रहा था। ठीक है, यही तो हमारे पास मिल रहा था। एक मिनट, हमारे पास कितने कार्बन्स की संख्या थी, 1, 2, 3, यहाँ पर मैंने लिखा है 2, यानी कि यहाँ पर एक और कार्बन हमारे पास आएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास OH हो जा रहा था, यहाँ पर ये हमारे पास मिल रहा था। ठीक है, एक्चुअली हमने जब पिछले लेक्चर को मैं बात किया था तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसे हम R कह रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एल्किल ही ग्रुप था और यहाँ पर भी हमारे पास एक एल्किल ही ग्रुप था। ठीक है, एल्किल ग्रुप मतलब आप लोग जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पर उसे समझा दिया। तो ये हमारे पास बना हुआ था ट्राई एल्किल बोरेन और ये हमारे पास बना हुआ था एल्कोहल, जो कि हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल, और ये हमारे पास बना था बोरिक एसिड। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर बात किया जाए तो OH ग्रुप हमारे पास है, OH ग्रुप ही तो आकर लिंक हुआ है, और यह OH ग्रुप क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज अगर हमारे पास आयन आता है तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार वहाँ उस कार्बन के पास जाना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हाइड्रोजन वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में जो हमारे पास OH ग्रुप है वह वहाँ नहीं गया है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, बल्कि यह वहाँ गया है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। तो यही बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और अब हम समझेंगे कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बात भी किया था, तो अब चलिए यहाँ से हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ये एक्चुअली जैसे वेब सीरीज होते नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकैप करते हैं, वैसे मैंने रिकैप कर दिया। अब चलिए हम बात करते हैं, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम अपने एल्कीन टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और अगले लेक्चर से हम डाइइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल,
ठीक है, समझते हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे और जानेंगे सब कुछ डिटेल से, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब हमारे पास व्हेन, और यह बात ध्यान में रखिएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही रेयरली होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली देखा नहीं जाता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये रिएक्शन शो करें। तो क्या होता है कि व्हेन एन एल्कीन, ठीक है, व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट्स विथ एच एक्स, ठीक है, एच एक्स के साथ जब रिएक्शन करता है, बेसिकली एक्स हमारे पास कोई भी निगेटिव आयन हो सकता है, लेकिन जब हम इस रूल पर बात करते हैं तो एक्स को हम एक हैलोजन एटम सपोज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट्स विथ एच एक्स एंड फॉर्म, ठीक है, और अगर फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम बात करेंगे, क्योंकि हमने एक्स को बोला है ना कि वह हैलोजन एटम हम सपोज करते हुए चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास मार्कोनिक ऑफ रूल होता है उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो तो बनता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड अगर फॉर्म हो जाता है तब इस सिचुएशन में देन दिस रिएक्शन, ठीक है, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या फिर नोन एज एंटी मार्कोनी, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉफ्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को तो हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन हम कहने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इस पर भी बात कर लेते हैं। दिस रिएक्शन हैपन, ठीक है, दिस रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है इस पर हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस में होता है, ये होता है पावरफुल, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू द एल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या बोला, यहाँ पर बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन वे रिएक्शंस ही शो करते हैं जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एल्कीन के जो डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन होते हैं उससे लिंक रहता है। समझते हैं इस बात को कि क्या मैं बोल रहा हूँ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ ग्रुप मतलब समझ रहे हैं, जैसे बैंक में जब पैसे निकालने जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए तो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एटम है, जो ग्रुप है, जो लिंक हुआ है कार्बन से, वह अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही पाएगा खींच लेगा, ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि जेड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इससे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास लिंक है, इसका हमने क्या किया, इसका हमने HX के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बनता है ZCH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन से जाकर लिंक हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास X जाते हुए इससे लिंक हो जाता है, और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है,
ठीक है। अब इसका नाम फिलहाल देने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि जेड कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम नाम नहीं देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कि हमारे पास जेड क्या क्या हो सकता है, तो जेड हमारे पास हो सकता है कि वो हमारे पास हो जाए सी डबल ओ एच हो जाए, यह भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हो सकता है कि वह हमारे पास सी एक्स हो जाए, ठीक है, कार्बन की संख्या एक और हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास दो होनी चाहिए, तो दो और एक तीन, तब भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर तीन होगा तब ये हमारे पास चार बाउंड का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक और हो जाए, जैसे सी एच ओ भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ऐसे हमारे पास NO2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मैकेनिज्म भी हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो हम ले लेते हैं, चलिए सी एच टू डबल बाउंड सी एच, सिंगल बाउंड चलो मैं NO2 को ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यह कर रहा हूँ कि इसका मैं HCl से रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है, वैसे किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं क्योंकि वो HX कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारे पास बेसिकली इसका एग्जांपल ही है। ये मैं ये बताया हूँ कि यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर, ठीक है, यहाँ पर जेड क्या हो सकता है और ये हमारे पास है एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे पास Cl ग्रुप वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेकिन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सी एच टू सी एल बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सी एच, ठीक है, और बॉन्ड हमारे पास NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल यही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारे पास मार्कोनी काफ रूल वाला भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि हमारे पास सी एच टू और एक सेकेंड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिस हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल एंटी मार्कोनी काफ रूल का प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, यहाँ पर हमारे पास मार्कोनी काफ रूल वाला प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। लेकिन बात वही आती है कि यह हमारे पास माइनर कंपाउंड बनता है जो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, और जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये डिफरेंस ज़्यादा होता है और इसी बात को हमें समझना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन पर भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से हम लेकर चलने वाले हैं, चीज़ों को समझ जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास सी एच टू डबल बाउंड सी एच सिंगल बाउंड एन ओ टू है, ठीक है, यही तो हमारे पास मेन कंपाउंड था, इसका जब हमने किससे रिएक्शन कराया, सपोज कर लेते हैं एच सी एल से रिएक्शन कराया, वैसे एच सी एल के बारे में अभी हम बात ही नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्यों शो होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि जब HCl इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो जब HCl इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह डबल बॉन्ड हमारा टूटेगा क्योंकि यह एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो जब यह एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है तो डबल बॉन्ड हमारा टूटेगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यह हमारे पास HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2 बन जाए, यानी कि हमारे पास जो HCl का H+ आएगा वो यहाँ पर लिंक हो जाए, यानी कि दूसरे वाले कार्बन से लिंक हो जाए, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर हम NO2 की तरफ से काउंटिंग करेंगे तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास पहला कार्बन, ये हमारे पास दूसरा कार्बन होगा, लेकिन हम चूंकि कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन ये सेकेंडरी कार्बन ऐसे कहा जा सकता है। तो अगर बात किया जाए तो यह कार्बन हमारा चारों बाउंड बनाया है, यह NO2 ग्रुप अपना बाउंड बनाया है, यह कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस कार्बन के पास दो एक तीन ही बाउंड है, एक बाउंड यह और बनाना चाहता है इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज आया, ठीक है, अच्छी बात है।
यहाँ पर भी हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि H प्लस आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि वह हमारे इस कार्बन से लिंक हो जाए, यानी कि यह कार्बन जो हमारे पास है वह चारों बॉन्ड बना ले और यह कार्बन अपना दो ही बॉन्ड बनाए रखे, यह भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस सिचुएशन में यह जो कार्बन है यह अपने तीन बॉन्ड को जब बनाया है तो इस पर भी हमारे पास एक प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यह हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये बातें तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने अपने पेड बैच में भी बताया था, जब आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर का पेड बैच लॉन्च करके आप सभी को चीज़ों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी चीज़ों का हम उपयोग करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो NO2 भी हमारे पास लिंक है। ठीक है, NO2 जो हमारे पास लिंक है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये NO2 अपने इलेक्ट्रॉन को तो पहले से ही खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है, और इस कार्बन से ये डायरेक्टली लिंक है और इस कार्बन से ये इनडायरेक्टली लिंक है। तो ये जब डायरेक्टली लिंक है और यह कार्बन अगर पर हम बात करते हैं तो यह कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और NO2 भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यह कार्बन अपने आप को ज़्यादा अनस्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यह लेस स्टेबल होता है। ओके, क्या होता है, यह लेस स्टेबल होता है, और अगर इस पर हम बात करते हैं तो यह इनडायरेक्टली लिंक है और यह अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वह इस कार्बन द्वारा मैनेज कर लिया जाएगा, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है तो यह अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा, लेकिन इस कार्बन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होता है, यह मोर स्टेबल होता है, और जब यह मोर स्टेबल होता है तो यह अपने आप को क्या करेगा, इस फॉर्म में ना कन्वर्ट करते हुए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, और इसलिए जो हमारे पास Cl आएगा या फिर कोई भी एक हमारे पास जो X एटम आएगा वह क्या होता है, वह इस कार्बन से लिंक हो जाता है, और इस वजह से हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ना कि सेकेंडरी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसलिए अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन ड्यू टू NO2 ग्रुप, सो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन फॉलो। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी डाउट अब नहीं बचा होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों पर मैंने बात कर लिया, वैसे इतनी डिटेल चीज़ों पर बात नहीं करना चाहिए था लेकिन फिलहाल हमने बात कर लिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए हम अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, जो कि हमारे पास एल्कीन का लास्ट रिएक्शन होगा, जिसमें हम एडिशन ऑफ सिंगलेट एंड एडिशन ऑफ ट्रिपलेट पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को जब हम समझ चुके हैं तो अब चलिए अपने लास्ट प्रॉपर्टी पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि रिएक्शन या फिर एडिशन भी कहा जा सकता है, रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन कराने वाला हूँ इस बार, रिएक्शन विथ कार्बिन्स। ठीक है, समझते हैं कि कार्बिन्स क्या होते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक ये भी हमारे पेड बैच का ही टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बिन्स क्या होते हैं, और मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट होता है, एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिलहाल अपने शुरुआत करते हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, और ऑलरेडी हम इन चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं तो इसलिए वहाँ पर हम नहीं बात कर रहे, डायरेक्ट यहाँ पर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, रिएक्शन विथ सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन, ओके, समझते हैं कि सिंगलेट कार्बिन क्या होते हैं और इनसे कैसे रिएक्शन होता है, इस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंगलेट कार्बिन पर, ठीक है, तो जब हमारे पास, व्हेन
व्हेन एल्कीन, ठीक है, व्हेन एल्कीन और रिएक्ट्स विथ सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, क्या करता है, सिंगलेट कार्बीन से जब रिएक्शन करता है, ओके, सिंगलेट कार्बीन, इट गिव्स वन स्टेप सिन एडिशन रिएक्शन। अब इस पर भी आप लोगों के डाउट आ जाएंगे कि सिन एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इस पर भी हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा लेक्चर होने लग जाता है इन चीज़ों पर अगर हम बात करने लग जाते हैं तो, ये बात आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, वैसे अगर ये पॉइंट ना समझ आए तो भी छोड़ देना, कोई परेशान होने की बात नहीं है, रिएक्शन पर फोकस करो, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये सिस बन रहा है, ठीक है, तो सिस 2 और 1, 2, 3, 4, तो सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर हमारे पास है, अगर ऐसे काउंट करें 1, 2, तो दूसरे पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका हम क्या करा रहे हैं, इसका हम सिंगलेट कार्बीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सिंगलेट कार्बीन यानी कि CH2N2, ठीक है। अगर यहाँ पर हम समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर इस पर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बनता है, अगर H न्यू के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है, यानी कि ये हमारे पास है कंपाउंड, इसको जब हम सूर्य के रोशनियों में रख देते हैं तो यह हमारे पास सिंगलेट कार्बीन में टूट जाता है और N2 गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा सिंगलेट कार्बीन ही आकर यहाँ पर रिएक्शन करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है और डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ, तो यहाँ पर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ जा रहे हैं। तो अगर हम अगले स्टेप पर बात करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट CH2 और यहाँ पर डबल डॉट रिप्रेजेंट कर दीजिए, NO2 गायब कर सकते हैं, ठीक है, N2 गायब कर सकते हैं, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आकर CH2 लिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास CH3 है, यहाँ से कार्बन है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ से हमारे पास CH3 लिंक है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ पर हमारा आता है कार्बन, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन आता है, और वो इस कार्बन से भी बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन से भी बॉन्ड बनाता है, ये दोनों अपने एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ते हैं और इनसे लिंक हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी लिंक था, और यहाँ से भी हाइड्रोजन लिंक था, यहाँ से भी हमारे पास हाइड्रोजन लिंक हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, CH2 डायरेक्ट मैंने लिंक कर दिया है, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट CH2 लिख दो, या फिर इसी को थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। और अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जी N2 कहाँ गया, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि N2 हमारा नाइट्रोजन गैस बनते हुए रिलीज हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, तो बेसिकली यह रिएक्शन जो होता है वह HNU के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि HNU अगर नहीं आएगा तो ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, तो अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में कैसे पता है, आप लोग आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर को देखिए, आई थिंक वो भी हमारे पेड बैच में ही था, ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। तो ये सिस हो गया, और साथ ही साथ है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे ही तो काउंट किया जाएगा, तो यानी कि 2 और 3 नंबर पर, ठीक है, 2, 3 नंबर पर हमारे पास मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डाईमेथिल हो जाएगा, और हमारे पास डाईमेथिल हो गया, और ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, ओके। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना सिस 2,3 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ओके। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं उसे पतला करूँगा क्योंकि इतना एक्सपेंड कर दे रहा हूँ तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3
और यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बना है C, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिंक है, और यहाँ पर हमारे पास CH3 लिंक है। ठीक है, इसका भी मैं CH2N2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड तो सेम है, बस इनका आइसोमेराइजेशन अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन कहते हैं। और जब यह एच न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, ये बात करते हैं। तब यहाँ पर हमारे पास CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से कार्बन जो लिंक है वो वैसे ही रहेगा, और यहाँ से जो कार्बन लिंक है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लिंक रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लिंक ही रहेगा, यहाँ पर भी हमारे पास CH3 लिंक ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से CH2 आकर लिंक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आकर लिंक हो गया। तो बेसिकली स्पेस आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सटा कर लिख दिया। चलो इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये इसी कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म बन चुका है। ठीक है, तो ट्रांस 2,3-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन बन चुका है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास सिंगलेट कार्बिन रिएक्शन करता है तो अगर वह सिस फॉर्म से रिएक्शन करेगा तो सिस वाला ही कंपाउंड बनाएगा, और अगर ट्रांस फॉर्म से रिएक्शन करेगा तो ट्रांस वाला ही कंपाउंड बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इतनी चीज़ों का आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर, चलिए बात करते हैं, अगर हमारा एल्कीन ट्रिपलेट कार्बिन से रिएक्शन करता है तब क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ ट्रिपलेट, ठीक है, रिएक्शन विथ ट्रिपलेट कार्बिन, अब ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चीज़ों के लिए आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं रिएक्शन में, लेकिन चीज़ों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो यहाँ पर नहीं समझाऊँगा। ठीक है, तो व्हेन, जब हमारा एल्कीन जो होता है, ठीक है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, और रिएक्ट्स विथ ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है, और रिएक्ट्स विथ ट्रिपलेट कार्बिन, अगर ट्रिपलेट कार्बिन से रिएक्शन करता है तो इट गिव्स, या क्या करता है, यह देता है, किस चीज़ को देता है, यह फॉर्म करता है ये ऐसा कंपाउंड सिस, एंड साथ ही साथ यह ट्रांस भी कंपाउंड को क्या करता है, फॉर्म करता है ट्रांस प्रोडक्ट एक ही रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि सिस से रिएक्शन करेगा तो सिस बनाएगा, ट्रांस से रिएक्शन करेगा तभी ट्रांस बनाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा चाहे सिस हो मेन प्रोडक्ट, यानी कि एल्कीन, चाहे सिस फॉर्म में हो चाहे ट्रांस फॉर्म में हो, जब भी हमारा ट्रिपलेट कार्बिन रिएक्शन करता है तो वह सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा, ये बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही रिएक्शन को हम समराइज कर देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे पास है CH3, ये हमारे पास कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है H, ये हमारे पास है H। ठीक है, हमने क्या किया, इसका CH2N2 से सही रिएक्शन कराया, इस बार इसे हम ट्रिपलेट कार्बिन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, ट्रिपलेट कार्बिन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एच न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और साथ ही साथ हम इसमें N2 गैस का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल तो यहाँ पर लिखा गया है सिस और 2-ब्यूटीन ही लिखा गया है। ठीक है, सिस 2-ब्यूटीन लिखा गया, इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बनता है CH3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हमारे पास CH3 बनता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास CH2 लिंक रहता है। तो अगर इसे बात किया जाए तो यह तो हमारे पास, नाम तो आप लोग जानते ही हैं कि यह हमारे पास बना हुआ है सिस, ठीक है, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ सिस, और यहाँ पर हमारे पास बना है सिस 2,3-डाइमेथिल, ठीक है, डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ओके, साइक्लोप्रोपेन।
अब अगर इसमें बात किया जाए तो ये इकलौता कंपाउंड नहीं बनता, मैंने लिखा है कि सिस भी बनेगा और साथ ही साथ ट्रांस भी बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रांस कंपाउंड को भी दिखाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार सा प्यारा प्यारा सा दिखेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन लिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिंक करा दो, यहाँ पर CH3 लिंक करा दो, यहाँ से हमारे पास कार्बन, यहाँ से ये लिंक हो गया, यहाँ से ये लिंक हो गया, ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म में बदल चुका है। ठीक है, ऊपर वाला ही कंपाउंड मैंने ट्रांसफॉर्म में लिख दिया है, तो ट्रांस 2,3 डाई मेथिल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बन गया। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सा पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता है, ऐसे रिएक्शन होता है। ध्यान रखना कि सिंगलेट कार्बिन में सिस से सिस ही बनता है, ट्रिपलेट में सिस से सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, और सिंगलेट में हमारे पास ट्रांस से ही ट्रांस बनता है, सिस से ही सिस बनता है। ये बस आपको ध्यान में रखना है। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर टाइम बचा रहेगा तो एक और रिएक्शन है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करते हैं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक छोटे से रिएक्शन पर बात करेंगे जिसे हम कहते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन, और उसके बाद हम अपने डाइइंस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली अब दो लेक्चर्स और आएंगे, उसके बाद हमारा यह दोनों यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ चलेंगे। तीसरा यूनिट काफ़ी छोटा है तो मान कर चलिए 10 लेक्चर में वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।